दोस्तों, बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, बुराड़ी के विधानसभा क्षेत्र की अलग अलग कॉलोनी, अलग अलग हिस्सों से आए सबसे बहादुर दोस्तों, आपकी इस नेक लड़ाई में आपके साथ का सिपाही होने पर मैं बहुत इज्जत और गर्व के साथ आपके साथ आखिरी कदम तक आपके साथ चलने का सबसे पहले वादा करता हूं और आपको इस बात की मुबारकबाद देता हूं कि सच की लड़ाई शुरू करने वाला अगर अकेला भी हो और झूठ का कारोबार करने वाले सामने लाखों भी हो तो झूठ हारता है और सच जीतता है। आप अगर यहाँ पर कुछ सैकड़ों की तादाद में हैं, 1000 लोग भी हैं, तो यकीन जानिएगा आप जीतेंगे और झूठ का कारोबार, झूठ का धंधा, नशे का धंधा करने वाले लोग हारेंगे और उन नशे के धंधों की वकालत करने वाले जो दिल्ली विधानसभा में लोग बैठे हैं वो अगर 67 भी होंगे, वो 65 भी होंगे और वो कभी 70 भी होंगे तो भी वो हारेंगे। जनता जीतेगी और जनता को धोखा देने वाले नेता हारेंगे। सबसे पहले ये यकीन मैं आपके साथ साझा करने आता हूँ, आपके साथ ये विश्वास मैं साझा करने आता हूँ। जनता का भरोसा जब जागता है, जनता का विश्वास जब जागता है और खासतौर से जब महिलाएं, माताएं, बहनें और बेटियों के अंदर ताकत सामने आती है। प्रगति बिहार की एक बहन कह रही थी, जब जनता के तजुर्बे सामने आते हैं, बहनों के दिल की आवाज बाहर आती है, बेटियों के दिल की आवाज बाहर आती है, तो बड़ी बड़ी सत्ता, बड़े बड़े शासक, बड़ी बड़ी सरकारें, उनकी सत्ता का नशा चूर हो जाता है, उनको जमीन पर आना पड़ता है, उन्हें सच्चाइयों से सामना करना पड़ता है। तो मैं सबसे पहले आपकी जनसुनवाई के इस दौर में आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि आप अपनी इस हौसले भरी लड़ाई को आगे बढ़ाइए। आपकी जीत होगी, सच की जीत होगी, इंसाफ की जीत होगी, नशे की हार होगी और दुनिया में आपके बुराड़ी में खुशियों का चमन लहराएगा। बच्चियों की इज्जत, बच्चों की पढ़ाई, महिलाओं की सुरक्षा, बुजुर्गों की इज्जत, उन सवाल को आप मिट्टी में नहीं मिला सकते। विधानसभा क्षेत्र बुराड़ी में मैं खड़ा हूँ। बुराड़ी के विधायक हमारे दोस्त हुआ करते थे, जब से कुर्सी पर बैठे हैं तो कुर्सी से उन्हें प्यार हो गया है। उनके चहेते मुख्यमंत्री जनता को भूल गए हैं, जनता की तकलीफ भूल गए हैं, लेकिन हम यहाँ पर खड़े होकर जन सुनवाई में आपके दिल की आवाज, मैं अपनी आवाज मिलाकर उससे कहता हूँ कि जो जो भी जनता की तकलीफ को भूलेगा वो हारेगा। हमने यहाँ पर 10-10 साल जो सत्ता में रहे मुख्यमंत्री उनको धूल चटाई है, आपने उनको हराया है, आपने जो 20-20 साल से शासन करने वाली पार्टियां थी उनको हराया है, जिन नेताओं को आपने अपने हाथों से बनाया है, जिस मुख्यमंत्री को सड़क से पकड़ के आपने मुख्यमंत्री बना दिया, उनको हराना, उनको बदलना, उन्हें सबक सिखाना बिल्कुल आपके हाथ में है। मैं दिल्ली विधानसभा की 4 घटनाएं आपको बताकर मैं आपको केवल ये बताना चाहता हूँ, आपको ये खबर करना चाहता हूँ कि आपका एक सिपाही होने के नाते, आपका एक भाई होने के नाते दिल्ली की विधानसभा को ये तय करना है कि वो नेताओं की विधानसभा होगी, वो किसी पार्टी का जिंदाबाद करेगी, वो किसी नेता की जिंदाबाद करेगी या वो जनता के दिल की आवाज कहेगी। आज जनता के दिल की आवाज ये है, आज महिलाओं के दिल की आवाज ये है कि अगर आप शराब का ठेका खोलना है, शराब की दुकानें खोलनी है, तो आपको रिहायशी इलाकों से, कॉलोनियों से पूछना पड़ेगा। आपके नेताओं की जो पहले ठाट बाट थे, नेताओं की जो जोड़ तोड़ थी, नेताओं की जो शराब के माफिया से मिली भगत थी, ये धंधा बंद करना होगा। आपको जनता की माननी होगी, जनता के बताए रास्ते पे चलना होगा और दिल्ली की विधानसभा को, दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी को जनता के बताए हुए रास्ते पे आगे बढ़ाना पड़ेगा। मैं आपसे एक बात केवल ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली में शराब की कमाई जो है 5000 करोड़ से ज्यादा की कमाई, 6000 करोड़ से ज्यादा की कमाई, इस कमाई की मजबूरी क्या है? सरकार बताया करती है कि अगर ये कमाई नहीं होगी तो सरकार कैसे चलेगी, ये सरकार की जरूरत क्यों हो जाती है, मजबूरी क्यों हो जाती है? अपने आलीशान एसी दफ्तर चलाने हैं, अपनी गाड़ियां चलानी है, अपने मंत्री संतरी रखने हैं, अपने पीछे अलार्म पूरी फौज रखनी है, इसके लिए 6 करोड़ की जरूरत है। ये 6 करोड़ की जो कमाई है, जो शराब से आती है, ये पाप की कमाई है। आप मुझे बताइए, अगर एक भी घर उजड़ता है उसकी कीमत क्या है, उसकी कीमत लगा सकते हैं? अगर एक बेटी, एक बेटे के सामने उसके बाप की जिंदगी बर्बाद होती है, उसकी कीमत क्या है? अगर एक बेटी की, एक माँ की, एक बहन की इज्जत
अगर खतरे में आती है उसकी कीमत क्या है, क्या उसकी कभी कोई कीमत हो सकती है? अगर हमने अपने भाइयों की, अपने बुजुर्गों की शराब की वजह से सेहत खराब होते देखी है, उसकी कोई कीमत है? मैं केवल ये कहना चाहता हूँ, दिल्ली की सरकार भी, आपके हाथों से बनाई सरकार भी शराब की कमाई पे पड़ रही है, शराब की कमाई से अय्याशी कर रही है। ये आपको तस्वीर बदलनी होगी। हम इस जन सुनवाई में जनता के दिल की आवाज को मजबूत करना चाहते हैं कि शराब की कमाई पे खुश होने की जरूरत नहीं है, ये पाप की कमाई है। इसके साथ ही हम ये भी कहना चाहते हैं कि हम पूरी तरह से कानून के डंडे से शराबबंदी की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं चाहते कि कानून का हुक्मनामा हो और कल से शराब बिकनी बंद हो जाए। नकली शराब बिकेगी, अवैध शराब बिकेगी, हम ये नहीं कहते। लेकिन जो हमारी प्रगति बिहार की बहन ने कही, शराब का जहां भी अड्डा खोलेंगे, शराब की जहां दुकान खोलेंगे, जिस होटल में आप शराब बेचना शुरू करेंगे, उसके अड़ोस से, पड़ोस से और महिलाओं से आप पूछेंगे और उनके पूछने को, उनकी सलाह को आप हुक्म मानेंगे, उनकी इच्छा को आप निर्धारक मानेंगे। आवाज खलक को नकारे खुदा माने, जो आवाज जनता की है वही ईश्वर की आवाज है। लोकतंत्र में जनता से बड़ा मालिक कोई नहीं होता। लोकतंत्र में महिलाओं की आवाज से बाहर जाके आप राज कर नहीं सकते। तो मैं केवल इस जनसुनवाई के माध्यम से आपके दिल की आवाज को मजबूत करने के लिए यहाँ कहना चाहता हूँ कि हमको आज ये बुलंद आवाज देनी है कि हमें शराब चाहिए या हमें जनता का राज चाहिए, हमें शराब चाहिए या स्वराज चाहिए। तो इस नारे को हम बुलंद करेंगे, तेज आवाज में कहेंगे। दिल्ली की विधानसभा में जो झूठ का खेल खेला गया है, बुराड़ी में जो नथीपुरा चौक में जो आपके झूठ का खेल खेला गया है कि 15 दिन के लिए दुकान बंद कर दी, 1 महीने के लिए दुकान बंद कर दी। मुख्यमंत्री आए, उन्होंने कहा कि हम मोहल्ला सभा से पूछ के दुकानों को खोलेंगे या बंद करेंगे। मोहल्ला सभा का कोई कानून नहीं बनाया है इन्होंने। दिल्ली की विधानसभा में दिल्ली की जनता को मोहल्ला सभाओं को अधिकार देने वाला कोई कानून ये नहीं लाए हैं। इसी बात को हमने कहा, हमने पूछा कि क्या दिल्ली की विधानसभा में आप स्वराज का बिल लाएंगे? दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने झूठ बोला, सच से बच के निकल गए। शराब की कितनी दुकानें हैं इसमें झूठ बोला। जनता से पूछने का कोई प्रावधान है, झूठ बोला। जनता के विधायक से पूछने का प्रावधान है, दिल्ली की विधानसभा में झूठ बोला। तो हमें तय करना है कि दिल्ली की विधानसभा झूठ का कारोबार करने वाली विधानसभा बनेगी, ये दिल्ली की जनता के दिल की आवाज को कहने वाली, सच को कहने वाली विधानसभा बनेगी। तो हम दिल्ली की विधानसभा को हुक्म देते हैं, जनसभा में बैठकर जनसुनवाई से निर्देश देते हैं कि वो दिल्ली की जनता की विधानसभा है, दिल्ली की जनता की आवाज वहां कहेंगी। वह झूठ का कारोबार नहीं चलेगा, नहीं तो बड़े बड़े सत्ताधीश, बड़ी बड़ी सरकारें मिट्टी में मिल गई। दिल्ली की विधानसभा में आज जो बैठे हुक्मरान हैं, आज जो बैठे मंत्री संतरी हैं, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हैं, वो दिन भूल जाएं। वो दिल्ली की गद्दी को अपने साथ लेकर नहीं आए थे, वो दिल्ली की जनता ने उनको तोहफे में दी है, जिम्मेदारी दी है, दिल्ली की जनता की अमानत है। उस अमानत में खयानत करेंगे तो वो अमानत उनको खोना पड़ेगी। आखिर की बात केवल ये, हम चाहते हैं शराब पर कानून के डंडे से शराब की बंदी ना हो, लेकिन समाज की रोकथाम, शराब की रोकथाम हो। आपको ये करना पड़ेगा, आपको ये मानना पड़ेगा, दिल्ली की जनता के हुक्मनामे पर स्वराज का बिल लाना होगा और उससे तय होगा। तो हमें क्या चाहिए? तय कर ले, शराब चाहिए, स्वराज चाहिए, हमें स्वराज चाहिए। तो नारा हमारा होगा, शराब नहीं स्वराज चाहिए, हमें जनता का राज चाहिए। तो मैं कहूंगा, शराब नहीं स्वराज चाहिए, आप अपने दिल की आवाज कह दीजिएगा कि हमें जनता का राज चाहिए। तो शराब नहीं स्वराज चाहिए, शराब नहीं स्वराज चाहिए। दोस्तों, बहुत बधाई के साथ नेक बनेंगे, एक बनेंगे तो आवाज दे देंगे, आवाज दो, आवाज दो। दोस्तों, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद।